यहाँ देखिए पूरा घर जाने वाला है। भाई साहब यहाँ से निकलते खुद को खतरा हो गया है क्योंकि पुल गिर रहा है और घर गिर रहे हैं। भाई साहब यहाँ से भागते हैं फटाफट। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी घर जाने वाला है और यहाँ पे आधी पौड़ी चले गई घर की। तो देखिए जो भी मुसीबत में फंसे हैं सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, खाना दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, सब कुछ। देखिए यहाँ पे लाइन, यहाँ देखिए मछली। तो अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, सारी सिचुएशन देखेंगे। जहाँ पे घर पानी में डूब चुके हैं वहाँ पर जा रहे हैं, तो पॉन्ड में भी पूरा पानी पानी हो गया है। बट हम लोग जा रहे हैं, अभी देखिए पैदल जा रहे हैं हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत से दोस्त है हमारे जिनका घर जाने की सिचुएशन में, तो सारा सीन देखेंगे। और अपना देखिए यहाँ पे हम लोग इतनी जल्दबाजी में आए ना, देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे की छतरी लेके आ गया है भाई। चलिए चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए जगह जगह से पानी आ रहा है भाई साहब, घरों को कितनी मार बज रही है। और रोड पे देखिए पानी, पूरी नदी बह रही है हर जगह से। और देखिए सारे अपने घरों की तरफ जा रहे जो भी फंसे हुए लोग थे। यहाँ पे देखिए सिचुएशन, क्या सिचुएशन बन गई है भाई साहब। लोग देखिए धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्हें रास्ता मिल रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ फंसी थी तो सारे निकल रहे अपने घर की तरफ। देखिए धीरे धीरे करके जितनी भी गाड़ियाँ फंसी थी मनाली में, अपने टूरिस्ट लोग फंसे थे, धीरे धीरे करके वो निकलते जा रहे हैं जहाँ जहाँ उन्हें रास्ता मिल रहा है। क्योंकि एक जगह बैठकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे थोड़ा मौसम हल्का सा रुकता है तो सारे आगे की तरफ निकलते जा रहे हैं। हम लोग भी आगे की तरफ जा रहे हैं, सारा सिचुएशन दिखाएंगे कहाँ पे घर गए हैं या गाड़ियाँ बह रही है सब कुछ। तो देखिए जो भी मुसीबत में फंसे हैं सब लोग यहाँ पे रुके हुए, शेल्टर दिए हुए, लोग मदद कर रहे हैं सबकी। देखिए उनके लिए खाना दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, सब कुछ। देखिए यहाँ पे लाइनें लगी हुई है सबकी, जो लोग भी फंसे हुए सब इधर देखिए, बहुत से मदद कर रहे हैं लोग। तो हम लोग भी आए मदद करने, है ना भाई। तो चलिए देखते हैं कौन कौन फंसा है, क्या क्या सिचुएशन है। ये देखिए गाड़ियों की लाइन सारी लगी है और वहाँ पे मदद कर रहे लोग सबकी। ये देखिए सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है भाई। जो लोग भी मदद कर रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छी बात है ऐसी सिचुएशन में। जो खाना दे रहा है, रहना दे रहा है, कंबल दे रहा है, रज़ाई दे रहा है सोने के लिए, भाई सैल्यूट है ऐसे लोगों को। वहाँ पर देखिए बेचारे लोग, मजदूर लोग फंसे हुए थे, वो सामान चक के जा रहे हैं, यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लोग रुके हुए हैं और सारी गाड़ियाँ लाइन बारी से लगी हुई है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग नदी के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ ना बहुत गंदी हालत हो चुकी है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना जिसको। घर बह रहे हैं, गाड़ियाँ बह रहे हैं, दिखाते हैं चलिए सीधे। यहाँ पर देखिए नदी पूरे घरों को टच कर रही है और यहाँ तक पानी पहुँच चुका है, मतलब घर ना टेढ़े हो चुके हैं, आधे आधे पीछे से झुकाव आ चुका है। और यहाँ पे देखिए लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं क्योंकि एक घर पीछे भी टूटने वाला है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए पूरा घर जाने वाला है और वहाँ पे जा भी चुका है। देखिए ये एप्पल फैक्ट्री थी अपनी, कोल्ड स्टोर। और ये वाला घर भी पूरा खतरे में जाने वाला है। सब थोड़ा ही बचा है ये घर ना, पानी बिल्कुल नीचे से आ चुका है और ये घर थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है जाने वाला है। और उधर देखिए एप्पल फैक्ट्री तो पूरी आधी जा चुकी है और उधर से अभी भी स्लाइडिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कंटेनर, भाई साहब सिचुएशन देखिए, नदी पूरी, मतलब कि यहाँ पे ना पूरा घर होते थे सारा चला गया है। तो यहाँ पर देखिए पूरे जो मेन हाईवे अपना ले वाला ना, बस थोड़ा सा बचा है और नदी यहीं पर पहुंचने वाली है। और देखिए जो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, बिल्कुल टच कर रही है इसको। देखिए हम लोग भी थोड़ा पीछे पीछे बैठते हैं और नदी देखिए भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे उफान में। और ये घर मुझे लग रहा है ऐसा ही रहा तो आधे घंटे में गिर जाएगा ये घर भी।
भाई साहब सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और हम लोग हैं अभी दिल्ली ले हाईवे के पास और घर जाने वाला है यहाँ पे भाई, बिल्कुल टच कर गया है और देखिए रोड के साथ में बिल्कुल टच कर रहा है यहाँ पे सिचुएशन भाई, क्या बोले। लोग देखिए बेचारे अपने घरों को देख रहे हैं, दुखी हो रहे, बट क्या कर सकते यार, सारा सीन खराब हो चुका है यहाँ का। हताश होके लोग खड़े हैं, बट क्या ही कर सकते हैं यार। भाई भगवान सबको हिम्मत दे, इतना जो कुछ भी हो रहा है ना भाई, इतना नुकसान, भगवान सबको हिम्मत दे यार, प्रे करें मनाली के लिए, हिमाचल के लिए। और देखिए बिल्कुल ही, तो हम लोग यहाँ से निकलते क्योंकि बहुत खतरा है, नदी बिल्कुल पास पहुँच चुकी है। अब चलते थोड़ी ऊपर, दिखाते हैं आपको क्या सिचुएशन है थोड़ी ऊपर की। यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन है, इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी अभी डाली हुई है और यहाँ पे देखिए क्या हो गया इसका भाई साहब। नदी देखिए पूरी टच कर गई है, अभी नया नया घर बना ही रहे हैं यहाँ पे भाई। नदी का फ्लो देखिए कितना ज्यादा है यहाँ पर। देखिए लोग मछली पकड़ रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है और कहीं पे लोग मछली पकड़ने में जोर दे रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं मछली पकड़ने के लिए, यहाँ पे मछली फार्म है और सारे लोग देखिए मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए मछली यहाँ पे निकाल रहे हैं पकड़, यहाँ देखिए मछली मछली बहुत सारी मछली। इसको बोलते कहीं धूप कहीं छाओ, कहीं पे भाई बाढ़ आ रही है, कहीं पे मछली पकड़े जा रही है भाई साहब। और जो मनाली अपना दिल्ली मनाली का रोड है ना, वो जा चुका है आधा, अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता जा चुका है। जो मनाली में फंस चुके हैं ना भाई, वो तो सोच लो कि चुपचाप होटल में बैठ जाओ, होम स्टे में बैठ जाओ, कहीं मत जाओ, बहुत रिस्की जोन है अभी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर देखिए पूरी नदी भर चुकी है और हम लोग अभी पुल के पास, जो कि मनाली का पुल है, इससे आगे पूरा रोड बंद है और पूरा रोड चला गया नदी में। यहाँ पर देखिए पूरा चला गया, यहाँ पे देखिए घर चले गए हैं और वहाँ पे देखिए मछली फार्म पूरा आधा टूट चुका है। यहाँ पर देखिए ये घर भी जाने वाला है भाई बिल्कुल ही, और ये खोखा तो चला ही गया है लगभग, और यहाँ तक जमीनें फट रही है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल, तो ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज गया है या नहीं गया है देखते हैं और दिखाते हैं आपको, बट यहाँ पे सिचुएशन तो भाई। अभी हम लोग लेंटर पे आ चुके हैं, यहाँ से दिखाते हैं असली सिचुएशन क्या बन चुकी है यहाँ की भाई। हियर इज द सिचुएशन भाई, यहाँ पे देखिए जो भी छोटे छोटे घर थे सारे डूब चुके हैं, ये देखिए सारे छोटे छोटे घर डूब चुके हैं और ये घर तो भाई जाने वाला है। बस आधा घर था जो पिछला, वो निकल गया है, नदी ने बहा लिया उसको और आधा घर बच चुका है। और यहाँ पे देखिए जो भी छोटे छोटे घर थे और यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस था पूरा डूब चुका है, और वो था देखिए आगे एप्पल का फार्म, यहाँ पे हम लोग शूटिंग भी करते थे और वो भी आधा चल पड़ा है भाई। ठंड से ना जवान भी फिसल रही है भाई, सिचुएशन बहुत गंदी हो रखी है यहाँ पे। भाई अभी हम लोग थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और असली नज़ारा तो अब दिखाते हैं आपको नदी का। ये जो बिल्डिंग है ना बिल्कुल टच करके जा रही है नदी यहाँ से, और सामने एप्पल फैक्ट्री देखिए पूरी टूट चुकी है। यहाँ पे देखिए सिचुएशन पूरी टच करके जा रही है नदी यहाँ से भाई, फैलावट देखिए नदी का कितना भयंकर। उधर देखिए एप्पल का कोल्ड स्टोर है वो सामने, और पूरा टूट चुका है वो, और पूरे घरों को खतरा है वहां पे।
तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी घर जाने वाला है और यहाँ पे आधी बॉडी चले गई घर की। और यहाँ से सीधे पर है देखिए पुल, ब्रिज भी जाने वाला है। यहाँ देखिए पूरा घर जाने वाला है और ये पुल भी जाने वाला है। ये देखिए घर तो कभी भी जा सकता है ये। वो देखिए वहां पे सारे घर जा चुके हैं और सब नुकसान हो चुका है। वहां देखिए भाई पूरा घर जा रहा है देखिए। तो देखिए भाई पूरा घर जाने वाला था, ये घर बैठ रहा सारा आएगा इधर कोई, ये घर भी जा रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से भाई, ये ना पूरा पुल जा रहा है और घर जा रहा है, तो निकलते हैं यहाँ से भाई। एकदम से चला गया ना, खुद भी बह जाएंगे हम लोग। भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, खुद को खतरा हो गया है क्योंकि पुल गिर रहा है और घर गिर रहे हैं। भाई साहब यहाँ से भागते हैं फटाफट, भाई जमीन खिसक रही है, ऐसा ना हो खुद भी नदी के साथ घुस जाए और लाइफ भी ना बचे। भाई भागो यहाँ से। देखिए पूरा नदी का पानी आ चुका है रास्ते में, तो हम लोग फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए पूरे डूब रहे हैं, तो अपनी जान बचा के भागते हैं भाई। भाई फटाफट, बहुत गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं हम लोग, तो फटाफट निकलते हैं भाई साहब। तो भाई बाल बाल बच्चे, हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं नदी के वहाँ से। भाई सारा पानी ना रोड में आ चुका है और ऐसे हमारे ऊपर पूरे ना यहाँ तक आते, ऐसे यहाँ तक कमर तक भर गई थी पानी भाई, इतना तेज। और लोग मान ही नहीं रहे हैं भाई, इतना बोला भागो भागो। भाई साहब कोई चला गया ना तभी अक्ल आएगी। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ वापस यार, बहुत रिस्की हो चुका है और बारिश और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और अपने बादल फट रहे हैं जगह जगह, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। भाई पता नहीं क्या होने वाला है मनाली का, भाई बहुत गलत सिचुएशन, गंदी सिचुएशन हो चुकी है और फंस चुके हैं गलत सिचुएशन में बेचारे लोग। अभी हम लोग घर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं भाई, बुरी हालत। ये देखिए घर के पास की हालत कुछ इस तरह की है। नदी, ये रोड थोड़ी है, नदी बह रही है भाई रोड के ऊपर, तो पूरी यहाँ देखिए पूरे डूब रहे है। यहाँ देखिए पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, ऐसा लग रहा है भाई डूब रहे, इसके साथ ही पैर पीछे कोई फिसल रहे है। यहाँ देखिए तो फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूं, बाहर बहुत गंदी सिचुएशन हो चुकी है भाई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बाढ़ आ रहे, घर जा रहे, पुल जा रहे और अपनी जो दिल्ली टू मनाली वाला रास्ता है ना, वो आधा रास्ता जा चुका है, जगह जगह से गिर रहा है रास्ता। तो भाई हम लोग भी जान बचा के भागे, तो हम लोग फिलहाल घर पहुँच चुके हैं अभी।